और ये बिल्कुल मन में से मत निकाल दीजिए कि कोई आपको कह देता है। आप जो कहते हैं कि भाई मुझे याद नहीं रहता है, बहुत लोग कहते हैं याद नहीं रहता है, लेकिन किसी ने आपको बुरा कह दिया और एक वाक्य नहीं 10 वाक्य बुरे बोल गया, आप 6 साल के बाद भी उन 10 के 10 वाक्य याद रहते कि याद रहते। इसका मतलब आपकी मेमोरी पावर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो चीज थी जो आपको छू गई आप उसको भूल नहीं पा रहे हैं, आपको याद रह गया, आपके जीवन में कोई ऐसा पल आया होगा और परिवार के दादा दादी ने उस पल इतने बढ़िया ढंग से आपको छुटकारा होगा, आपको आशीर्वाद भी होंगे, आपको लगा हूं मां दादा दादी से इतने सालों से मिला हूं लेकिन वो पल मैं भूल नहीं पाता। मतलब जिन चीजों में सिर्फ बुद्धि नहीं आपका हृदय भी जुड़ जाता है, वो चीजें जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। कॉन्सेंट्रेशन में भी आप अपने मन बुद्धि शरीर हृदय आत्मा ये सबको एक जगह पे सिंक्रोनाइज करके कर लागू हो गया। ये जो योगा है ना अभी दिखा रहे थे सारे बच्चे, ये कुछ लोग मानते हैं ये कोई फिजिकल एक्सरसाइज है और कुछ लोग अगर योग बॉडी बिल्डिंग का ही खेल होता तो सर्कस में जो लोग काम करते वो सारे योगी होते, सब सर्कस वाले योगी होते। तो ये बॉडी बिल्डिंग का काम नहीं है, ये योग का मूलतः काम शरीर मन बुद्धि आत्मा इनको एक सिंक्रोनाइज वे में काम करने के लिए है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, कौन सा आसन करना कैसे करना वो आपकी मर्जी है। आपने देखा होगा एक बार मैंने मन की बात की थी तो हमारे देश के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर जी मन की बात में मेरे साथ बातचीत कर रहे थे और देशभर के लोगों ने सुना, उन्होंने बड़ी मजेदार बातें की। किसी बारे में उनको ऐसा ही सवाल पूछा तो उन्होंने एक बढ़िया जवाब दिया था, मैं समझता हूं ये जवाब आपको हम सबको काम आ सकता है। उन्होंने कहा जब मैं खेलता हूं तो इसके पहले कौन सा बॉल था, कैसे आया था, मैं रन कर पाया कि नहीं कर पाया, बॉल को ठीक से खेल पाए हैं इसके दिमाग में खपता रखा पाता नहीं हूं, दूसरा इसके बाद जो बॉल आएगा तो कैसा आएगा, मैं 4 लगाऊंगा या 6 लगाऊंगा दिमाग नहीं खा पाता हूं, मैं उस समय उसी बॉल को खेलता हूं जो आ रहा है बाकी सब भूल जाता हूं। ये तरीका है। हम आगे इसका मतलब ये नहीं कि अतीत का कोई महत्व नहीं है, अतीत का अपना महत्व है, लेकिन अतीत जब बोझ बन जाता है तो भविष्य के सच्चे सपने भी रौंद जाते हैं और वर्तमान बोझिल बन जाता है। वर्तमान में कॉन्सेंट्रेशन के लिए रोज रास्ता खोल देती है, वही कॉन्सेंट्रेशन लेकिन वही रास्ता हम वर्तमान में कोई अड्डी रह गए किताब खुली है, लाइट पर्याप्त है, वातावरण शांत है।